अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? गाड़ी भी आप रात में लेके भगाओ मोटरसाइकिल, सही है ना? तो क्या आप रुकते? क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आज लोग बोलेंगे, अकबर साहब हम तो कुछ और सुनने आए थे। रुकिए, सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहते। नहीं डालूंगा। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे, मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोकने वाले भोक रहे हैं, भोकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भोंकते हैं। गाड़ी भी आप रात में लेके भगाओ मोटरसाइकिल, सही है ना? तो क्या आप रुकते, पत्थर उठाते, मारते, जरा गेर चढ़ाए, जुर्र निकल गए? बस यही है। अब वो अलग बात है कि जईफ हो गया, कई चीजों का शौक था, कभी घड़ी का शौक था तो कभी गाड़ी का था तो कभी कपड़ों का था, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। मैं खिदमत करने निकला हूं, काम करने निकला हूं, और मैं जब मरूंगा तो दुनिया मुझे मुखर्रिर की हैसियत से याद नहीं रखेगी, एक खादिम, एक खिदमत गुजार और इल्म से इनकलाब लाने वाला कहकर याद रखेगी। हिंदुस्तान की तारीख में मुखर्ररीन तो बहुत आए, लेकिन खलम से इनकलाब लाने वाले बहुत कम आए। मैं वो खलम से इनकलाब लाऊंगा। अरे बोलना तो मुझे बहुत आता है, गूंगे नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी में ऐसी ताकत है कि गूंगों को भी बोलना सिखा सकता है। मुझे ऐसा दिखता है कि वो लोग जो इस मुल्क के तकसीम के जिम्मेदार थे, उनकी आत्माएं आज मोदी में दाखिल हो गई कि वो आज इस मुल्क के हिंदू मुसलमान